लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। झारखंड में स्कूल भवन न होने के कारण बच्चों को खुले में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को 10 दिन के भीतर स्कूल भवन के काम को शुरू करने का निर्देश दिया है। झारखंड में केरल और दक्षिण भारत जैसे गुणात्मक शिक्षा के प्रसार का दावा तो राज्य गठन के बाद से ही सरकारें करती आ रही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। शिक्षा का बजट खर्च नहीं हो पाता और अधिकारियों के अफसरशाही या लापरवाही के कारण बीते 3 महीनों से राज्य के नोनीहाल खुले आसमान के नीचे ठंड के मौसम में भी पढ़ने को मजबूर है। ताजा मामला रांची से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजौली आतू के महादेव टोला की है, जहाँ स्कूल के जर्जर भवन को तो गिरा दिया गया लेकिन नया भवन बनाना ही हुक्मरान भूल गए। झारखंड में का बजट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के कुल बजट का लगभग 13.5% है। बावजूद इसके यहाँ स्कूल भवन के अभाव में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। रांची से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर स्थित राजौली आतू के महादेव टोला में राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जर्जर भवन के टूटने के बाद से ही खुले आसमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह भवन 20 नवम्बर को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में बच्चों को वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों के बीच पढ़ना पड़ता है। साथ ही स्कूल भवन नहीं होने के कारण मिड डे मील भी गंदगी के बीच परोसा जाता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।